भाई मुझसे तो रहा ही नहीं गया। जैसे ही खबर मिली पाकिस्तान पहुंचती सीधा तुम लोगों के पास आई हूँ। आखिर दो दो मुबारकबादें ड्यू थी ना, पर आखिर तुम अपनी दोनों जिम्मेदारियों से आजाद हो ही गई। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपा। खाला बिस्किट भी नहीं। अरे ये ना खाला प्लीज तकल्लुफ मत करें। तलत बहुत मजेदार चाय बनाई। आखिर तुम्हें चाय बनाने आई गई ना। अब ऐसी बात भी नहीं है आपा, वैसे ये चाय असरा ने बनाई है। आपको पता है मेहमानों की सारी रिफ्रेशमेंट की जिम्मेदारी असरा की है। वाह सुल्तान, तुम्हारी तो लॉटरी निकल आई, इतनी काबिल लड़की जो मिली है तुम्हें। गलत कह रही हैं आप खाला, लॉटरी मेरी नहीं असरा की निकली है। इसे मैं जो मिल गया है ना। घर की सेटिंग चेंज की है थोड़ी, है ना। और ये पेंटिंग ये किसने बनाई है? और क्या क्या शौक पालोगे, कहाँ कहाँ अपने नाम के झंडे लगाओगे? मुझे ऐसे फजूल शौक नहीं है, मैंने नहीं बनाई। नहीं खाला, ये पेंटिंग असरा ने बनाई है। वाह भाई, कमाल कर दिया तुमने तो। इसमें क्या कमाल बात है? एक कैनवस लो, 3-4 कलर्स लो और बना दो ऐसी पेंटिंग, क्या बड़ी बात? अब ऐसी भी बात नहीं है, इतना भी आसान नहीं था ये पेंटिंग बनाना। देखें तो सही, एक मुकम्मल तस्वीर है। वेरी नाइस असरा, तुम्हें अच्छी लग रही है तुम ही देखो। मुझे तो ऐसी फजूल चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। घर का ख्याल रखना अच्छी बात है बेटे, लेकिन अपना भी ख्याल रखो साथ में। सुल्तान को देखो, इसने कैसे संभाला हुआ खुद को। जो बच्चियां अपना ख्याल नहीं रखती वो बहुत जल्द शोहरों से बड़ी लगने लगती हैं। भाई मुझे तो लगता है कि असरा वाकई मुझसे बड़ी ही है। देख लिया असरा, खाला दबे दबे अल्फाजों में क्या कह रही हैं? तुम मुझसे बड़ी लगती हो। कहाँ से बड़ी है वो, आपसे पूरे 7 साल छोटी है असरा भाई। लो, ये तो और भी नेगेटिव बात है। 7 साल छोटी हो लेकिन फिर भी 7 साल बड़ी लगती हो मुझसे। अरे इतनी बड़ी भी नहीं लगती बेचारी। मैं तो इसलिए समझा रही थी कि जरा सच संवर के रहो, नई नवेली दुल्हन तो लगो। इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत समझा के देख लिया। एक्चुअली इसका फैशन सेंस बहुत पुअर है, जब एफर्ट करती है तो और ओवर लगती है, इसलिए मैंने कहा कि बस जो है बस ठीक है। और सुनाओ, क्या क्या मसरूफियात हैं तुम्हारी? अरे छोड़े आप इसको, आप अपना बताएं। खालू कैसे, अमेरिका में बिजनेस कैसा जा रहा है?